नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमन अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल लीगम फ्रेंड में। आज हम बात करेंगे एंटीसिपेटरी मेल के बारे में। यदि आपको कभी ऐसा लगता है या आपके पास वैलिड रीजंस है कि कोई आपके खिलाफ साजिश रच रहा है और साजिश के तहत आप पे झूठा मुकदमा फाइल करके आपको अरेस्ट करवा सकता है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करें? उस सिचुएशन में आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी में है, जो कि 41th लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बाद सीआरपीसी में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस सेक्शन का मोटिव ऐसे लोगों को अरेस्ट होने से बचाना था जिनके अगेंस्ट कोई झूठा केस, कोई राइवलरी हो सकती है। अब ये लॉ जो एंटीसिपेटरी बेल है, इसके लिए ये सिर्फ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के केस में ही फाइल की जा सकती है, क्योंकि बेलेबल ऑफेंसेस के केस में आप पुलिस अपने आप ही आपको बेल ग्रांट कर सकती है। अगर कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस के केस में आपका अरेस्ट होने वाला है, तो आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। बट लीगल प्रैक्टिस ये बोलते हैं कि पहले आप सेशन कोर्ट में ही जाएं। अगर आप कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करते हैं और कोर्ट को ये ऐसा लगता है कि आपके पास वैलिड रीजंस हैं और कोर्ट इससे कन्विंस हो जाता है, तो आपको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर देगा। एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करते टाइम कोर्ट आप पे कुछ कंडीशन लगाएगा, जैसे कि पहली कंडीशन कि आप जब भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप हमेशा अवेलेबल रहेंगे, पुलिस को सपोर्ट करेंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। दूसरी कंडीशन कि आप केस के दौरान कभी भी देश को छोड़ के नहीं जाएंगे बिना कोर्ट की परमिशन के। तीसरी कंडीशन कि आप किसी भी विटनेस जो इस इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा है, ना तो उससे कोई प्रॉमिस करेंगे, ना ही उसको ऐसा कोई धमकी या थ्रेट देंगे जिससे इन्वेस्टिगेशन में कोई बाधा आए। इसके अलावा कोर्ट अगर चाहे तो जो नॉर्मल बेल में कुछ कंडीशंस लगाता है, उनमें से भी कोई कंडीशन आपके ऊपर लगा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर केस। एंटीसिपेटरी बेल से रिलेटेड मैं आपको एक सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट के बारे में अवगत कराना चाहूंगा, जो कि है गुरबख्श सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980। इस केस में एक पंजाब के मिनिस्टर जिन पे ग्रेव करप्शन चार्जेस लगे थे, उन्होंने हाईकोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन लगाई, बट हाईकोर्ट ने वो एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर दी। तो उन्होंने एक अपील फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हुए और उनको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करते हुए कुछ कंडीशंस बताई जो कि कोर्ट्स को आने वाली एप्लीकेशंस में फॉलो करनी चाहिए। वो कंडीशन इस प्रकार है। पहली कंडीशन कि एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करते समय कोर्ट को ये देखना चाहिए कि वैलिड रीजंस टू बिलीव होना जरूरी है। अगर किसी को सिर्फ डर है कि मैं अरेस्ट हो जाऊंगा, तो उस केस में एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। एंटीसिपेटरी बेल सिर्फ उस केस में मिलेगी अगर आपके पास वैलिड रीजंस हैं कि आप अरेस्ट होने वाले हो। दूसरी कंडीशन, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर किया कि एंटीसिपेटरी बेल एक राइट दिया गया है एक पर्सन की लिबर्टी को सिक्योर करने के लिए, बट ये कोई परमिट नहीं है आपको क्राइम करने के लिए। तो आप ये नहीं कर सकते कि आपने कोई क्राइम कर दिया और एंटीसिपेटरी बेल लेकर आप अरेस्ट से बच जाए। तीसरी कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने ये बताई कि हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट जब भी एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करते हैं, तो वो इस चीज का ध्यान रखें कि जो अक्यूज्ड है उसके राइट्स और पुलिस के राइट्स बराबर हैं और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चल सके। चौथी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि FIR फाइल होने के बाद भी एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई की जा सकती है। FIR फाइल होने के बाद और अरेस्ट होने से पहले एंटीसिपेटरी बेल फाइल की जा सकती है और वो ग्रांट भी की जा सकती है। चौथी कंडीशन, एंटीसिपेटरी बेल वैलिड रहेगी टिल द कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सो ऐसी ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।